गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्लास थ्री के सब्जेक्ट कंप्यूटर के पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू विंडोज जीयूआई के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया था। आज उस टॉपिक्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस थोड़ा टॉपिक पर ध्यान दे लेते हैं जो इसके पहले बताया गया था, जिसे MS Windows। The MS Windows is a popular operating system. It was developed by Microsoft Corporation US. The MS Windows is a popular operating system. MS Windows जो है एक लोकप्रिय operating system है। It was developed by Microsoft Corporation USA. इसे USA के Microsoft Corporation में इसे विकसित किया गया था, इसे बनाया गया था। देयर आर वेरियस वर्सन्स ऑफ विंडोज। विंडोज के अनेक रूप होते हैं, अनेक वर्सन्स होते हैं, जैसे विंडोज 9.5, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 इटीसी। ये विंडोज के वर्सन्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन था हमारा, अब आगे चलते हैं। MS Windows Display a Graphical User's Interface, GUI। MS Windows जो है Graphical User's Interface को हमें डिस्प्ले करता है, दिखाता है, which is easy to use, जिसे प्रयोग करने में आसानी होता है। GUI is a made of various graphical parts। GUI जो होता है इसमें अनेक ग्राफिकल पार्ट्स होते हैं, लाइक जैसे स्टार्ट बटन, आइकन्स, मेनू एंड टास्क बार। इसके पहले वाले सबसे पहले वाले वीडियो में जब मैं स्टार्ट किया था चैप्टर को, तो इस वीडियो में बताया था जीयूआई के बारे में कि जीयूआई जो है ये स्टार्ट बटन्स, आइकन्स, मेनूज, टास्क बार को ही यूज करता है। इसको मिलाकर ही, इस सबको मिलाकर ही GUI ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस बना है, ठीक है। इसके बाद ये दे रहा है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल लर्न अबाउट विंडोज 7। इस चैप्टर में हम लोग विंडोज 7 के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, सीखेंगे, ओके। तो पहला है हमारा टॉपिक विंडोज डेस्कटॉप, ठीक है। विंडोज डेस्कटॉप क्या है, कह रहा है वंस द कंप्यूटर इज स्टार्ट, एक बार जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, द स्क्रीन विच अपियर्स ऑन द मॉनिटर, और जो स्क्रीन खुलता है, दिखता है, इज कॉल्ड द डेस्कटॉप, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, खोलते हैं, तो हमारे सामने एक स्क्रीन आता है, जैसे मोबाइल भी खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं तो कुछ हमें स्क्रीन दिखाई देता है, उसी प्रकार जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो कुछ स्क्रीन, मतलब एक स्क्रीन दिखाई देता है, उसी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो स्क्रीन है कंप्यूटर का, ये इसी को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप आर, डेस्कटॉप के अनेक अंश होते हैं, घटक होते हैं, जैसे इस फोटो में दिखाया गया। पहला है वॉलपेपर, सेकेंड आइकन्स, थर्ड गैजेट्स, फोर्थ टास्क बार। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन आइकन्स है, कौन वॉलपेपर है, कौन टास्क बार है, कौन गैजेट्स है, कौन कौन क्या करता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग पिछले क्लास में, क्लास टू में ही मैंने आप लोगों को आइकन्स के बारे में बताया था कि जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, खोलते हैं, तो स्क्रीन पर आता, स्क्रीन जब आता है तो इस पर कुछ छोटे छोटे फोटोज दिखाई देते हैं, जिसे हम आइकन्स कहते हैं, यही वाला है, यही आइकन्स है, ठीक है। इसे हम फोल्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वॉलपेपर है। वॉलपेपर क्या होता है, जैसे हम मोबाइल भी चलाते हैं, मोबाइल भी खोलते हैं, तो वॉलपेपर पर हम कुछ अपना फोटोज, कोई फोटोज हम सेट करके रखते हैं, वही ये कंप्यूटर का वॉलपेपर है। ये हमारा है टास्क बार, जैसे हम लोग जो हमारे कंप्यूटर का नीचे वाला जो भाग होता है, लाइनिंग हल्का, ये हमारा टास्क बार है, ठीक है।
ये हमारा गैजेट्स है, ठीक है। तो ये हमारे डेस्कटॉप के अंग हैं, घटक हैं, अंश है उसके। अब इसके बारे में, इस चारों घटक के बारे में, चारों अंशों के बारे में वन बाय वन हम पढ़ते हैं। जैसे दिया है, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पार्ट्स वन बाय वन। चलो एक एक करके इन पार्ट्सों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तर्क करते हैं। ये जो चार दिया है, आइकन्स, वॉलपेपर, टास्क बार, गैजेट्स, ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो दिया है हमारा सबसे पहले है वहां पहला ऑप्शन, पहला टॉपिक वॉलपेपर। द वॉलपेपर इज द बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप। वॉलपेपर जो होता है ये बैकग्राउंड पिक्चर होता है डेस्कटॉप का। जैसे हम लोग मोबाइल खोलते हैं, तो जैसे मेरा मोबाइल खुलता है तो जो हम वॉलपेपर पे फोटो सेट करते हैं बैकग्राउंड पे, वही हमें दिखाता है। तो कह रहे कि द वॉलपेपर इज द बैकग्राउंड पिक्चर। वॉलपेपर जो होता है पीछे का पिक्चर होता है ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर, ठीक है। उसके बाद हमारा है आइकन्स। आइकन्स में बताया दिया था कि जो स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे फोटोज दिखाई देते हैं वो आइकन्स कहलाते हैं, उसे हम फोल्डर भी कहते हैं। से दिया यहाँ पे, द स्मॉल पिक्चर ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड द आइकन्स। स्क्रीन पे जो छोटे छोटे फोटोज दिखाई देते हैं, जैसे ये वाला है, ये दिख रहा है ना कितना छोटा छोटा है। वो कह रहे कि द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देते हैं, फोटोज दिखाई देते हैं, उसे हम आइकन्स कहते हैं। यही हमारा आइकन्स है और ये हमारा, यही हमारा वॉलपेपर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे रहा है कंप्यूटर्स, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, एयरटेल वाईफाई, जीके फ्लिप बुक्स, ठीक है। ये सब उस पे रहता है, जो स्क्रीन खोलेंगे तो ये सब उस पे, ये सब जैसे आइकन्स ग्रुप में रहता है, कंप्यूटर रहता है, नेटवर्क रहता है, रिसाइकल बिन रहता है, एयरटेल वाईफाई, जीके फ्लिप बुक्स, इस तरह का आइकन्स जो है यहाँ नाम से सेव रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, हमारा है गैजेट्स। गैजेट क्या है? गैजेट आर द स्मॉल एंड हेल्पफुल ऑब्जेक्ट। गैजेट जो होता है छोटा और उपयोगी, मददगार एक कार्य होता है इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में, ठीक है। दे हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, इसके अपने कुछ अपने फंक्शंस होते हैं। दे आर यूज टू वॉच टाइम, कैलेंडर, वेदर, वर्ल्ड टाइम, ईटीसी ऑन ए कंप्यूटर। इसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर पे टाइम देख सकते हैं, कैलेंडर देख सकते हैं, डेट तारीख देख सकते हैं, वेदर मौसम का प्रचलन देख सकते हैं, वर्ल्ड टाइम दुनिया का टाइम, जैसे हमारे इंडिया में कौन सा टाइम क्या हो रहा है, अमेरिका में कौन सा टाइम क्या टाइम हो रहा है, मतलब हर एक देश के हम टाइम्स के बारे में गैजेट्स के जरिए हम पता कर सकते हैं, ठीक है। ये गैजेट्स हैं जो हमें टाइम, कैलेंडर, वेदर, वर्ल्ड टाइम, ये सब कंप्यूटर में हमें दिखाता है, ठीक है। तो इन बारे में समझ गए कि डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप के अनेक घटक होते हैं, वॉलपेपर, आइकन्स, गैजेट्स, टास्क बार। तो आप लोग समझ गए, मैंने बता दिया कि ये सब आइकन्स है। वॉलपेपर वो होता है जो मोबाइल या कंप्यूटर का बैकग्राउंड पिक्चर होता है। गैजेट्स मैंने बता दिया कि हमें एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है कंप्यूटर में, जो अपना एक इसका अपना फंक्शन होता है, जिसका प्रयोग हम लोग टाइम देखने के लिए, डेट तारीख देखने के लिए, मौसम देखने के लिए, वर्ल्ड टाइम देखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा की जाएगी, ओके?